नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज़ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो है उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो फ़ोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों को कभी कहीं पर जब फ़ोटो अपलोड करना होता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बैकग्राउंड की एक समस्या आती है, बैकग्राउंड ओरिएंटेड जो फ़ोटो होते हैं, जैसा कि मान लीजिए दोस्तों ये फ़ोटो है और आप देख रहे हैं ये इस फ़ोटो में ये जो पीछे आपको दीवार दिख रही है ये उतनी साफ़ नहीं है, और ये नीचे जो टेबल पर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं ये सभी हमें रिमूव करने हैं और हमें अकेला ये जो इमेज है इसकी फ़ोटो आनी चाहिए। और ये बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव होगा इसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही सिंपल सी एक वेबसाइट है दोस्तों। आपको जाना है क्रोम पर और यहाँ लिखना है रिमूव बैकग्राउंड। आप रिमूव बीजी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये है वेबसाइट का नाम www.remove.bg। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल सी वेबसाइट है और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्या क्या काम करती है। आपको सिंपल सा जाना कहाँ है, यहाँ पर अपलोड इमेज दिख रहा है, आप यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं इमेज को कहीं से लाकर, और आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। ये अपलोड पर जाने के बाद जो है आप चलेंगे डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर ये वो इमेज है दोस्तों जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ये ओरिजिनल इमेज जो है अपलोड हो गई है, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और देखिए दोस्तों 5 सेकंड से कम के अंदर ये यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। अब आप इसका नॉर्मल वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप इसका HD वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है उसके लिए यहाँ पर कुछ क्रेडिट पेमेंट करना होता है, उसकी हमें हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। हम इसका जो है सिंपल वर्जन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो गया है, और डाउनलोड होने के बाद हम आपको जो है ये ओपन करके बताएंगे। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये बैकग्राउंड यहाँ से हट चुका है, और यहाँ पर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स, पीछे की वो दीवार वो बिल्कुल हट गई है। मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये देख सकते हैं दोस्तों ये वो इमेज थी जिस इमेज को हमने जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। और जैसे ही रिमूव हो गया है तो ये आप इमेज देख सकते हैं, दोनों की आप क्लियरिटी देख सकते हैं दोस्तों। दोनों को मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको अलग ही दिख रहा होगा कि कितना अंतर है और कितने सफाई से इनके AI सिस्टम काम करते हैं और किस तरीके से ये पूरे बैकग्राउंड को जो है यहाँ आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का इस्तेमाल कीजिए और सीखिए कैसे किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी जगह पर हमें जब फ़ोटो की ज़रूरत होती है, और कभी जब बहुत अच्छा फ़ोटो आ जाता है और हमको बैकग्राउंड पसंद नहीं आता है, तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। जब भी आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो वहाँ पर भी जब आपको बैकग्राउंड हटाकर कोई फ़ोटो अपलोड करनी हो, उससे होता क्या है कि आपके जो स्लाइड्स के बैकग्राउंड होते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड होते हैं वो मिसमैच नहीं करते हैं, और आपकी इमेज वहाँ पर जाकर ऐसे सेट हो जाती है जैसे कि वो उस स्लाइड का और उस डॉक्यूमेंट का ही बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ आई होगी, ये वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।